करीम आका ने फरमाया याद रखना औरत दे नाल निकाह चार वजह तो ही हुंदा है। बोलो बोलो जरा हर जुमे चस्के वास्ते ना ब्याह करो कोई गल समझिया भी करो। औरत दे नाल निकाह चार वजह तो ही हुंदा है। निकाह दी वजह शादी दी वजह रिश्ता जोड़न ते जुड़न दी वजह चार वजह हुंदियां ने। पहली वजह केड़ी है ए वेख्या की जांदा है कि लड़की खूबसूरत होवे। दूसरा वेख्या जांदा है मालदार होवे। तीसरा वेख्या जांदा है उच्चे खानदान दियो में। मेरे आका ने फरमाया चौथा वेखिया जांदा है दीनदार वियो में। सुनो मेरे आका ने फरमाया पहला वेखिया जांदा है खूबसूरती नू, फिर वेखिया जांदा है माल नू, फिर वेखिया जांदा है नसब नू हसब नू केड़ा खानदान है, फिर वेखिया जांदा है दीन नू। अर्ज कीती आका रिश्ता केड़े खाने विच रखिए, हुसन दे खाने विच रखिए या माल दे खाने विच रखिए या खानदान दे खाने विच रखिए या दीन दे खाने विच रखिए। मेरे आका ने फरमाया याद रखना चार चीजां वेखिया करो। गौर दे नाल ध्यान मेरे वाल चार चीजां वेखिया करो। फरमाया हुसन माल बरादरी चंगी है ते दीन वेखिया करो। आका रिश्ता जोड़ना कीवें वे फरमाया हुसन भी पिछे रहन दिया करो, माल भी पिछे रहन दिया करो, बिरादरी भी पिछे रहन दिया करो, दीन अगे रखिया करो। आका वजह की है फरमाया जदो मां दीनदार होवेगी पुत्र मदीने वाले दी दद्दा चौकीदार होवेगा। हजरात तो मैं बात अर्ज कर रहा मेरे करीम बात समझ आई है। हुजूर ने फरमाया रिश्ता केड़ी बुनियाद ते करिया करो हुसन दी। बोलो बोलो जवाब दे तो नहीं जुबान ने जवाब देना जी। हुसन दी माल दी बिरादरी दी इतने ते कतल हो गया। मैं क्या की होया रिश्ता बिरादरी तो बाहर नहीं करना। मैं क्या हया कर मदीने वाले ते नहीं आखिया जी नक नहीं रहिंदा। मैं क्या कबर चुंज भी नहीं रहना। मैं क्या कबर वे चुंज भी नहीं रहना। ये याद रख रिश्ता कि होना है बिरादरी का जी बुजुर्ग नहीं मन दे। मैं क्यों बुजुर्ग अनपढ़ ते जहल ने ऐसे जैल बुजुर्गों को जान छड़ा लो। ये याद रखना जी बरा जी मौलवियां दी आंखें नहीं लगना मौलवी दी गल नहीं। मैं अपने आका दा फरमान सुना रहा। मेरे आका ने फरमाया हुसन वेखो माल वेखो बिरादरी वेखो। फरमाया रिश्ता दीन ते करिया करो। आका जेड़ा रिश्ता दीन ते करेगा मिलेगा की फरमाया दीनदार होवेगी औलाद मेरी इज्जत दी पैरेदार होवेगी। औलाद मेरी इज्जत दी पैरेदार होवेगी। एवें गल्लां ही नहीं जे मुरादे मुस्तफा मतलूबे मुस्तफा दुआए मुस्तफा। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला नो आप जनाबी वाली रात नु आपने वेश बदल लेना ते कपड़े होर पा लेने मदीना पाक दिया गलियां दे अंदर जाके वेखना राया भुखी ते नहीं प्यासी ते नहीं परेशान ते नहीं। एक रात पैरा देंदियां देंदियां सजरी दा सितारा निकल आया। आप एक मकान दे दरवाजे दे कोलों दी गुजरे अंदरों दो औरतां दे बोलन दी आवाज आ रही है। एक औरतां दी है मां धी नूं पईआं दी है नी धीए बकरियां दा दुध चोल आई जी अम्मा चोल आए बर्तना विच रख लिया अम्मा रख लिया है नी किन्ना होया अम्मा दस शेर होया है आखिया इहदे विच पानी पा लै ते वी शेर हो जाएगा। हुण तेरा धी दा जवाब सुनिया दे उहने आखिया अम्मा ना ना अमीर अल मोमिनीन फारूक आदम नूं
ते बड़िया मारा पैन गिया। मां कहन लगी धीए अमीर अल मोमिनीन ते इत्थे है ही कोई नहीं, ओ केड़ा पिया वेखदा है। आखिया अम्मा अमीर अल मोमिनीन नहीं पिया वेखदा, रब अलमीन ते वेखदा है, रब अलमीन ते वेखदा है। आओ जरा सुनिया जे, कट पिया मुसलमान तोल दे, मिलावट पिया मुसलमान कर दे, और जनाबे वाली कंडे दे विच खराबी ते शैमा दे विच खराबी है। जड़े वेले इतनी गल होई उन्हें आखिया अम्मा अमीर उल मोमिनीन भावे ना वेखे रब अलमीन ते पिया वेख दे। इतनी गल होई दिल चढ़ गया, फारूक आजम ने अपनी बीवी नू नाल लिया, नाल लैके माई दे बूहे ते आए ते बीवी कहन लगी अमीर उल मोमिनीन खैर है? आखिया अल्लाह ने तेनू पुत्र दिता है, जी दिता है ओदा नाम हजरत आसिम है। आपने फरमाया ओदा ब्याह नहीं करना। आखिया जी करने, आखिया जे ब्याह करने फिर इस कारण नालो ईमानदार ती मैनू किधरे नजर नहीं आई, जा बुआ खड़का दुपट्टा लैके अगर इस माई दे पैर फड़ के ती दा रिश्ता लेना पवे अज छड़ के ना आवी, मेरा यकीन है एदी सोच पाके अल्लाह औलाद वी पाक अता फरमाएगा। बोलो केड़ी मां दिती जाए? जनाबे वाली अपने बच्चियां वास्ते जेड़ी मां लब के लियाओ वो दीनदार लब के लियाओ। फिर हजरत आसिम दा निकाह उस बच्ची दे नाल होया, ओदे विचों एक बेटी होई, उस बेटी दा एक बेटा होया जिदा नाम उमर बिन अब्दुल अजीज है, जिदे बारे अंग्रेज ने लिखिया अगर उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा एक पुत्र मुसलमाना दे अंदर हो राजा दा खुदा दी कसम है कुफर कितने भी नजर ना आंदा, हर पासे मदीने वाले दी इज्जत दा झंडा ही ना।